See, these three last questions, question 5, 6 and 7 on the base of different centers of a triangle, and all three questions came into the IIT JEE. ये particular ये question भी IIT JEE का है, इसका मैंने लिखा नहीं उसका year. This is in the screening, IIT JEE screening 2003, and ये particular question जब AIEEE start हुआ था 2002 में, तो first question था. And again repeated into the screening 2000. So, but ऐसा होता नहीं है कि कोई question repeat करे IITs में. But this is the repeated question, right? And this third one is also into the IIT screening 2003. This third question. So this is screening 2003 question. So all three questions are in the IITs, right? See, first question number 5. In center of the triangle with the vertices 1, √3, 0, 0 and 2, 0. In center. उसका हमें in center find out करना है. तो पहले इसको roughly sketch कर लेंगे. Question number 5 के लिए. So roughly जैसे आप बनाते हैं. This is 0, 0. Second point is 2, 0. This is 2, 0. And third point is 1, √3. तो इसके just middle में होगा 1, √3. So this is 1, √3. And the triangle is formed here. देखिए triangle बन रहा है और अगर इस triangle को आप देखें वो AP कुछ भी naming कर दीजिए और उसकी distance देखें, this distance is 2. Directly we can see this distance is 2. This is also 2. 0, 0, 1, √3 है. So under root of 1 + 3, 4. 4 का root लेंगे 2 आएगा. This distance is 2 also. अगर ये distance भी check करें तो ये भी आपका 2 - 1 का square +√3 - 0² 3, so this is also 2. तो उसने जो triangle दिया है, basically it's a equilateral triangle. और equilateral triangle में फिर मैंने आपको वो बात बताई थी कि all the four centers lies at the single point. So चारों centers एक ही होते हैं. चारों center एक ही होते हैं. तो उसने जो बोला कि आप in center निकालो, find the in center. So better best formula for the centroid. Centroid भी निकालेंगे तो भी in center होगा, orthocenter और circumcenter वो सारे all the four centers will be same in here. ठीक है, G भी वही होगा, I भी होगा, H होगा और same होगा. So better to use the formula for the centroid. So this is the x coordinate 0 + 2 + 1 / 3 and y coordinate 0 + 0 + √3 / 3. So this is 2/3, so 3/3, this is 3/3, 1 हो गया, and this is 1/√3. So 1, 1/√3 is the answer. See, the A option is correct. This is the √3/2 है, D option right है इसमें, D option right है, 1, 1/√3. This option is right, D option is correct here. इसके बाद में लेते हैं question number 2. क्वेश्चन नंबर 6 में सर, ये सारी तीनों प्रॉब्लम्स जो भी मतलब कंपटीशन में आई हुई है, और उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे स्विच कर जाएंगे. ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, और अगेन वी रिक्वायर द ऑर्थो सेंटर हियर, दिस क्वेश्चन नंबर 6, राइट. ये भी आईआईटी स्क्रीनिंग 2003 का क्वेश्चन है. देखिए डायग्राम पहले बना लेना चाहिए इन होल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. दिस इज द अगेन सजेशन फ्रॉम माय साइड इज दैट फर्स्ट यू ट्राई टू मेक द रफ स्केच, व्हाटएवर इट इज गिवन, जो भी कुछ दिया हुआ है उसका रफ स्केच बना लो, तो आपको एक आइडिया लग जाए, तो वो चीज पिक्चर उसकी दिखने लगती है कि ये पोजिशन है और हमें इस पे ऐसे काम करना है. ठीक है ना, तो बेस्ट रहता है. तो इसमें देखिए ये है 0, 0 गिवन है, ए कोऑर्डिनेट 0, 0 है, ऑरिजिन है B 3, 4. दिस इज 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. लेट्स से दिस पॉइंट इज 3, 4 एंड इट इज गिवन एज द बी पॉइंट, राइट. सी पॉइंट इज 4, 0, तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा एंड दिस इज सी कोऑर्डिनेट 4, 0. सो डेफिनेटली एक ट्राइंगल तो बन ही रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है और इसमें इसका ऑर्थो सेंटर चाहिएगा. सो डेफिनेटली देखिए इसने चारों ऑप्शन दिए हैं. This is the coordinate A 0, 0, 3, 4 and 4, 0 is there. और चारों ऑप्शन में हम देखते हैं
स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली कुछ कुछ वो मतलब टेक्निकल कंफ्यूजन तो देगा ही देगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनता उधर। ठीक है, तो देखिए सभी चारों ऑप्शन में, इन तीन ऑप्शन में देख रहे हैं थ्री आ रहा है, तो अगर इसमें अपोजिट वर्टेक्स से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट पे हम जब इधर से पहुंचे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे 0.30 है, तो 3 तो उसमें आएगा ही आएगा। ऑर्थो सेंटर निकालना है एच इसका, तो आप एक काम करेंगे, ये जो लाइन होगी लाइन, और उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए बेस्ट है कि दो लाइंस क्रिएट कर लें आप, दो एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन बना लें एंड देन यू कैन सॉल्व, राइट। तो हम थोड़ा स्ट्रेट लाइन अभी नहीं किया, लेकिन 2 पॉइंट फॉर्म वगैरह सभी बच्चों को पता है 11th के, तो उसको मैं इस क्वेश्चन को उसी की हेल्प से सॉल्व कर पाऊंगा। इस इक्वेशन की, इस इक्वेशन को लिखेंगे आप, हेयर द एक्स इक्वस टू थ्री, हेयर द एक्स इक्वस टू थ्री, दिस वैल्यू इज इक्वस टू एक्स इक्वस टू थ्री, दिस द इक्वेशन ऑफ द दिस लाइन। और ऐसी ही एक और लाइन क्रिएट करनी है, तो बेस्ट रहेगा अगर हम ओरिजिन से पास आउट होने वाली ये लाइन बनाए, ठीक है ना। तो इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, उसमें एक्स थ्री प्लेस करेंगे, तो एक्स तो थ्री आना ही आना आपका। देखिए इसमें डी ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गया है, अब ए बी सी तीन ऑप्शंस पॉसिबल है, तीन ऑप्शंस पॉसिबल है, उन्हीं को देख लेते हैं हम। इस लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए इसका स्लोप लेना पड़ेगा वाई टू माइनस वाई वन, दिस इज जीरो, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, सो दिस इज द माइनस 4/1 स्लोप ऑफ दिस लाइन, और इस लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो दिस इज द लाइन, लेट से दिस इज द लाइन एडी, एडी लाइन, सो स्लोप ऑफ एडी, स्लोप ऑफ एडी विल बी इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकेट करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/4 हो जाएगा स्लोप, और इसकी इक्वेशन बना सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से, ठीक है ना। सो इक्वेशन ऑफ एडी, इक्वेशन ऑफ एडी बी, पॉइंट हमें पता है कि 0 0 से पास हो रही है और इसका स्लोप 1/4 है, सो वाई माइनस वाई वन 0 इक्वल टू स्लोप 1/4 इंटू एक्स माइनस 0, सो इट इज वाई इक्वल टू 1x/4, और यू कैन राइट द एक्स इक्वल टू 4y, दिस इज द लाइन एंड दिस लाइन इज दिस वन, ये लाइन ये वाली है, ठीक है, इसकी इक्वेशन है, और इसमें एक्स की वैल्यू 3 चल रही है यहाँ पे, और इसमें एक्स 3 पुट कर देंगे, पुटिंग एक्स इक्वल्स टू 3, राइट, एक्स इक्वल्स टू 3 पुट करोगे तो 3 इक्वल्स टू 4y, और y की वैल्यू मिल जाएगी 3/4, देयरफॉर 3, 3/4 इज ऑर्थो सेंटर, राइट, दिस विल बी द ऑर्थो सेंटर, इस तरह से हमें ऑर्थो सेंटर मिल जाता है 3, 3/4, 3, 3/4 इज अ ए ऑप्शन, राइट, सो वी गॉट द ऑर्थो सेंटर ये। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, फिर हमारे जो सेंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये खत्म हो जाएगा, एंड देन विल स्विच टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज द शिफ्टिंग ऑफ द रेक्टेंगुलर शिफ्टिंग। There are two type of shiftings. See, that is the rectangular shifting and then rotational shifting. तो वो shifting का concept समझेंगे, बहुत important है, बहुत ज़्यादा importance रखता है, क्योंकि पूरी coordinate geometry पे कहीं पे भी shifting करनी होती है, तो sometimes point shifts, sometimes axis shifts, तो वो concept हम अच्छी तरह समझेंगे उसको। Next comes the question number 7. देखिए ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन था और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस में आता है ये भी, तो इसको मैंने यहाँ रख लिया है। नंबर ऑफ पॉइंट्स विद द इंटीजर कोऑर्डिनेट्स लाई इनसाइड द ट्रायंगल, इनसाइड द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, तो ये ट्रायंगल है, इसकी वर्टिसेस है 0 0 0 21 21 0 इस, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाउ मेनी इंटीजर कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स विद द इंटीजर वैल्यूज, राइट, तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट भी इंटीजर होगा, सो दैट लाई इनसाइड द ट्रायंगल, अंदर में लाई करे, उसकी सर्कल ट्रायंगल की तीनों साइड्स पे लाई नहीं करेगा, इनसाइड द ट्रायंगल लाई करे, तो वो पॉइंट्स बताने। और देखिए वो जो ट्रायंगल है वो बन रहा है आपका 0 0 से, 0 0 21 0 और 0 21,
0,21, राइट। ये ट्राइंगल है और इसके इनसाइड में टोटल आपको बताने की हमने, ये बिल्कुल वैसा बनेगा कि इस टाइप की शेप आएगी, 0,21 थोड़ा यहाँ रखा जाए, 0,21 ये शेप होगी इसकी, ठीक है। सो व्हाट इज देयर, वी रिक्वायर द नंबर ऑफ पॉइंट्स विद द इंटीजर कोऑर्डिनेट्स दैट इज लाइंग इनसाइड द ट्राइंगल, वो उसके अंदर लाई कर रहे हो, वो निकालने का है ना। तो एक काम करेंगे, इसको हम पहले स्क्वायर बना देंगे, जो काम करना है उसके लिए देखिए ये हम चेंज कर देते हैं, मॉडिफिकेशन ये कि इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, और इधर जो पॉइंट आएगा 21,21 आएगा, x21 y भी 21 हो जाएगा, एंड हाउ मेनी पॉइंट्स कैन लाई इनसाइड द स्क्वायर। तो ये जो 21 है इस वाली साइड पे नहीं जाना चाहिए, इस पे नहीं जाना चाहिए, तो ये 1 से स्टार्ट लेगा, 1, 2, 3 एंड इट कैन गो अप टू 20, सो 20 पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस कैन बी द इंटीजर पॉइंट्स, एंड 20 पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड अप टू 20 पॉइंट्स आर ऑन द वाई एक्सिस ऑन द इंटीजर पॉइंट्स। तो ये सारे जितने भी कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे बना दें, ठीक है। सो टोटल पॉइंट्स इनसाइड स्क्वायर 20 × 20 400, सो देर आर टोटल 400 पॉइंट्स कैन लाई इनसाइड द स्क्वायर, राइट। सो अब एक काम करेंगे कि नंबर ऑफ पॉइंट्स जब ये स्क्वायर के अंदर लाई करके इतने, तो अब हम एक काम करेंगे कि ये देखें कि डायगनल पे कितने लाई कर रहे हैं। तो देखिए 20,1 इस पे लाई करेगा, 20,1 इस पे लाई करेगा, 19,2 लाई करेगा, ठीक है, इस तरह से। और इधर 20 है तो 20 भी इस पे लाई करेगा। सो देयर विल बी टोटल 20 कोऑर्डिनेट्स विल लाई ऑन डायगनल इक्वल्स टू 20 है, ये हम माइनस कर देंगे। देखिए हमें निकालना था इस ट्राइंगल के अंदर, तो इस ट्राइंगल के अंदर निकालना था, तो डायगनल पे जो पॉइंट्स पड़ रहे हैं वो पॉइंट्स हमें पहले सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। तो अब हमारे पास में पड़ गए 380 पॉइंट्स इस ट्राइंगल में होंगे या फिर इस ट्राइंगल के इनसाइड में होंगे, एंड बोथ द ट्राइंगल्स आर सेम, राइट। व्हाट इज देयर, डिवाइड इट बाय 2 टू गेट द नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो ये वाला है, ठीक है। इसके अंदर कितने होंगे, 380 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 190, सो 190 पॉइंट्स विल बी देयर, आंसर इज 190, सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, राइट। इस तरह से ये हमारा टोटल डिफरेंट सेंटर्स ऑफ अ ट्राइंगल, और ये थोड़ा क्वेश्चन मैंने स्लाइटली बेसिक क्वेश्चन डिफरेंट ले लिया, एंड दिस इज कम्प्लीटेड। Next, I am going to discuss the rotation of axis, translation of axis, you can say, right? So, rectangular shifting hoti hai and one is rotational shifting. So, there are two type of shifting into the any point can shift and the whole equation can shift, right? So, as you shift the point, the whole equation can shift accordingly. So, that concept is next I am going to take.